नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीएनएस में। और एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है। ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। ये बहुप्रतीक्षित जो बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं या फिर जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जिनका भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है, उन सब का है सो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस वर्ष का, वर्ष 2020 का, ठीक है, वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन से परीक्षे कब होने हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो है, ठीक है, जो कि हो चुकी है, इसके रिजल्ट के लिए है सो वेटिंग की जा रही है। सारे स्टूडेंट्स अभी तक वेट में हैं कि मतलब कि कब रिजल्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगी। देखिए दोस्तों, तो इसका जो है ना, संभावित परीक्षा फल का जो प्रकाशन है, अप्रैल 2020 में संभावित है, ठीक है। अप्रैल में ये परीक्षा फल आएगा और उसके बाद मई में इसका इंटरव्यू अंतर्विक्षा के लिए है सो ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और जुलाई के अंत तक, ठीक है, इसका जो है सो अंतिम परीक्षा फल भी जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए है सो इंटरव्यू में ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा दोस्तों। जिन्होंने है सो 64th एग्जामिनेशन के मुख्य परीक्षा में है सो सम्मिलित हुए थे, जो लोग भी, कृपया करके है सो अपना है सो जल्दी जल्दी है सो मतलब अपने अपने आप पे फोकस करें। जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं इंटरव्यू के लिए, उन सब पर ध्यान देते रहें दोस्तों, चूँकि अप्रैल माह में ही है सो इसका मुख्य परीक्षा फल आ रहा है और उसके बाद है सो टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। और 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो इसका एग्जामिनेशन हो चुका है पीटी का, लेकिन अभी तक है सो इसका पीटी के रिजल्ट का है सो वेट किया जा रहा था। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मार्च 2020 में इसका जो है सो परीक्षा फल आने की संभावना है, क्योंकि आयोग के द्वारा है सो जो 65वीं का जो री एग्जामिनेशन हुआ है, उसका भी है सो आंसर की है सो जारी कर दिया गया है। तो इसलिए है सो मार्च में मैंने बताया भी था, देखिए दोस्तों, और इस वार्षिक कैलेंडर में भी है कि मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, इसका 65वीं का है सो पीटी का रिजल्ट आने वाला है। और ये जी पीटी का रिजल्ट मार्च में आएगा, और देखिए दोस्तों कि जून में ही, जून 2020 में ही बहुत ही जल्द इसके मुख्य परीक्षा फल की मुख्य परीक्षा भी संभावित है। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, जल्दी जल्दी है सो सरकार लेने की कोशिश कर रही है इसको अक्टूबर 2020 तक, ठीक है, इसका परीक्षा फल भी जारी करके है सो दिसंबर में अंतर्विक्षक के लिए भी बुलाया जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ऑन टाइम हो गई है और बहुत जल्दी जल्दी है उसका अपनी प्रक्रिया को पूरी करने में पूरी गठजोड़ के साथ लगी हुई है। ये तो 65वीं की हुई है दोस्तों। और जो लोग भी अभी तक 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए है सो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंतज़ार में थे दोस्तों, तो देखिए इसका जो है सो फॉर्म का जो प्रकाशन किया जाएगा वो जून के अंतिम सप्ताह तक आ रही है। जून में आएंगी, उसके बाद है सो ये डेट नहीं बताया गया है कि कब इसका पीटी होगा, मेंस होगा, बट संभावना है कि इस बार है सो मतलब पीटी ले लिया जाएगा, ठीक। और बाद बाकी इलेक्शन के लिए हो सकता है कि चूँकि प्रोसेस में 64वीं भी रहेगी, 65वीं भी रहेगी, तो इसमें लेट हो सकता है। बाय द वे अभी तक तो है सो आयोग ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है कि इसका कब है सो पीटी होना है, मेंस होना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा ये ली जाएगी, जून में आ जाएगी, इसका फॉर्म आ जाएगा। तो जो लोग भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, डट के भिड़े रहिए, चूँकि है सो बहुत ही जल्द फॉर्म आने वाली है। जून में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, समय बीतते प्रिपरेशन को बूस्ट करके रखें। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के वेटिंग में है, ठीक है, और इसका इंतजार कर रहे थे, तो बीपीएससी है सो इसका जो है सो फॉर्म का प्रकाशन इसे मार्च के प्रथम सप्ताह में करने वाली है, ठीक है। बहुप्रतीक्षित ये भी है सो जो पिछली बार आई थी 300 साढ़े 300 के आसपास में जो पोस्ट था, ठीक है, उसके बाद है सो ये फिर से दोबारा आ रही है। लगभग काफ़ी लंबे समय पे आती है ये वैकेंसी, और जिन्होंने है सो लॉ से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट हाल में है सो APO की भी बहाली ली गई है, ठीक है, वो भी बहुत लंबे समय के 10-12 साल में आई है। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने है सो मतलब इसकी इसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग तैयार रहें, कमर कस ले और इसके प्रिपरेशन में लग जाए पूरी तरीके से, क्योंकि इसका जो है सो
विज्ञापन तो मार्च में आ रही है और इसका जो पीटी है सो मई में ही ले लिया जाएगा, क्योंकि न्यायिक सेवा का जो भी एग्जामिनेशन होता है बहुत ही फास्ट ट्रैक वे में चलता है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मई में ही होगा और मई के अंतिम सप्ताह में ही उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद है सो जुलाई में, ठीक है दोस्तों, तो जुलाई में है सो इसके अंतर्वीक्षा के लिए है सो बुलाया जाने लगेगा जुलाई में। इसके बाद जो होने के इंतरवीक्षा नहीं सॉरी दोस्तों परीक्षा का संभावित माह है सो, ठीक है जुलाई में मेंस का, ठीक है दोस्तों जुलाई में। और उसके बाद है सो परीक्षा फल का प्रकाशन है सो नवंबर 2020 में होगा और दिसंबर माह में है सो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के साथ ही दिसंबर में ही आपका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा और जनवरी फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। चूँकि जो भी है सो न्यायिक सेवा वाला जो एग्जामिनेशन होता है वो काफ़ी फास्ट वे में देखा गया है कि लिया जा रहा है, आयोग है सो बहुत जल्दी करवाती है, इसलिए है सो जो लोग भी न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं और करना चाहते हैं इसकी तैयारी वो लोग अभी से ही जुड़ जाए दोस्तों। फिर सहायक लोक अभियोजन प्रतियोगिता परीक्षा जो कि अभी जस्ट है सो एपीओ की बहाली हुई है, मतलब जो फॉर्म आए थे लगभग 553 समथिंग ऐसा ही कुछ, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो है सो पीटी का एग्जामिनेशन मई में लिया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों अब मई में लिया जाएगा। उसके बाद जून में है सो इसका परीक्षा फल भी जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद है सो अगस्त में, ठीक है अगस्त जो है सो इसके परीक्षा का जो है सो मेंस के मुख्य परीक्षा का है संभावित माह है, और दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, और जनवरी में ही इसका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, और जनवरी में इंटरव्यू के साथ ही फरवरी 2021 तक, ठीक है इसका है सो मुख्य परीक्षा फल के इंटरव्यू के साथ अंतर्वीक्षा के पास बाद है सो जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं हम लोग सहायक वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका कि है कि मुख्य परीक्षा जो है सो मई में संभावित है, उसके साथ ही अक्टूबर में इसका है सो परीक्षा फल आएगा, फिर उसके बाद है सो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के बाद है सो नवंबर माह में इसका है सो इंटरव्यू जारी कर दिया जाएगा, ठीक है अंतर्वीक्षा, और दिसंबर में है सो इसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं कि फरवरी माह में है सो मोटरयान निरीक्षक का भी है सो विज्ञापन आने वाला है बहुत जल्द, ये रहा इम्पोर्टेंट, ठीक है इसके बारे में भी आगे की जानकारी नहीं दी गई है, जब ये एग्जामिनेशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी देन सारे प्रोसेस के आपको पता चल जाएंगे कब कब होना है सो। इसी तरीके से सहायक अभियंता असैनिक के लिए है, सहायक अभियंता विद्युत विभाग, सहायक असैनिक, सहायक अभियंता यांत्रिक विभाग में इन सबों के जो परीक्षाएँ हैं जो होनी है आगे आगे ये सारा आपको प्रक्रिया है सो जारी कर दिया गया है दोस्तों। इस कैलेंडर के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप चाहें तो ये इसका आप एक स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं, ऐसे में है सो इसका PDF लिंक है सो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी महत्वपूर्ण कमेंट आपके तरफ से जो कोई भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों चैनल पर आने के लिए।